तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सर रिमेम्बरिंग द पास्ट फर्स्ट चैप्टर। रिमेम्बरिंग द पास्ट, हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें लेसन नंबर 1 हम लोग टोटल पढ़ेंगे। स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। स्टार्टिंग में आपका मतलब, चलिए क्लास करते हैं ना, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्या करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, आपको एक व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। यस सर तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो क्या है? हिस्ट्री है। हिस्ट्री का, हिस्ट्री का आपका 1 मिनट। आज हम लोग हिस्ट्री का क्लास करने वाले हैं, जो कि आपका लेसन नंबर कौन सा है ये? फर्स्ट वन वन रिमेम्बरिंग लेसन नंबर है आपका 1, जिसका नाम क्या है? द पास्ट। रिमेम्बरिंग रिमेम्बरिंग द पास्ट। ये चैप्टर का नाम से ही ना इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है। पास्ट हम लोग जो भी कुछ है वो हम लोग किसको मानते हैं? जो हो चुका है, द पास्ट जो पिछले हो चुका है। जो हो चुका है उसको हम लोग क्या मानते हैं? हिस्ट्री। जो बीत गया है वही तो हिस्ट्री है ना। यस सर अच्छा, अब हिस्ट्री को हम लोग याद करेंगे। याद करने का मतलब, जो रिमेम्बरिंग करेंगे यहाँ पर, ये एक सवाल हम करेंगे। दो दो ऑप्शन दे रहे हैं हम यहाँ पर, ए एंड बी का। ए जो है वो एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब एकदम सही सही, और बी हो गया आपका कि वो इमेजिन करेंगे हम लोग। ये बताइए, जो हम लोग जो रिमेम्बर करेंगे वो इन दोनों में से क्या होगा? एक्यूरेट होगा मतलब एकदम सही सही हम लोग रिमेम्बर कर पाएंगे, या हम लोग कोई इमेजिन करेंगे? इमेजिन हम लोग सर इमेजिन करेंगे, ठीक है, इमेजिन क्योंकि कि हम लोग जब भी रिमेम्बर करेंगे, रिमेम्बर का मतलब हो गया याद करना। याद करना मतलब हम लोग सोच के। तो इसका मतलब जो लेसन नंबर 1 जो है आपका, ठीक है, क्या वो हिस्ट्री है? हिस्ट्री है। अब पहला बात तो ये जान लो कि हिस्ट्री जो आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इतिहास मत बोलना, सर इतिहास। जो तो बीत हिस्ट्री का मतलब चुका इतिहास, है जो बीत चुका है उसको हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, आज तक आपने इतिहास में कभी रामायण पढ़ा है? नो सर नहीं और वो भी तो बीत चुका है। सर तो फिर रामायण क्यों नहीं पढ़ा हिस्ट्री में? सर क्योंकि उसका प्रमाण हाँ नहीं है। हाँ उसका प्रमाण नहीं है, उसका एविडेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब देखिए, मैं एग्जाम्पल देने के लिए मैं बताया हूँ यहाँ पे, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, तो इसको किसी और वे में नहीं ले जाएंगे, ठीक है। देखिए, एविडेंस के मतलब हो गया कि जो हमें, जो जो इतिहास एविडेंस के बेस करके लिखा गया है, एविडेंस का बेस मतलब जिसमें प्रमाण हो चुका है कि वो चीज है, वो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं आज के जमाने में, ठीक है। जिसको हम लोग कह सकते हैं, गांधी जी ने क्या किया था, एक आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर जो भी कुछ है, वो कहीं ना कहीं एक वहां पर क्या है, उसका कुछ ना कुछ प्रमाण है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी ही इतिहास में है जिसका कोई इतिहास, मतलब समझते तो है इतिहास पर उसका कोई प्रमाण नहीं है, वो हम लोग इतिहास में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो जो है, तो इसका मतलब जो चैप्टर नंबर 1 है आपका रिमेम्बरिंग द पास्ट, वो एक्चुअल हिस्ट्री पढ़ेंगे या फिर हम लोग अंदाजा वाला हिस्ट्री पढ़ेंगे, सर एक्चुअल बताइए। हिस्ट्री नहीं, अंदाजा हम लोग वाला एक्चुअल सर हिस्ट्री, इसमें हम लोग सब अंदाज लगाएंगे इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हम लोग जस्ट इतिहास का मतलब, अगर मैं आपसे बोलूं, इस इतिहास में आपको अली बाबा 40 चोर के बारे में भी जानना है। अली बाबा 40 चोर, सुने नाम? अच्छा, अली बाबा 40 चोर। अब ये बताओ, अली बाबा 40 चोरों में तुमसे पूछूं कि हाँ, क्या वो इतिहास है, तो बोलोगे इतिहास है कि नहीं है? यस क्या सर ऐसा कोई गुफा है जहां पे खुल जा सिम सिम बोलने से वो खुल जाता हो?
हाँ वैसे अभी पॉसिबल है, अभी वो ऐसा लगा सकते हैं तो हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा गुफा हो सकता है कि नेचुरली जो कि भूलने से खुल जाए? सर। नहीं, इसका मतलब हम लोग तो इसमें ये भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम लोग ये भी जानने वाले हैं। अच्छा आप लोग भूकंप जो अर्थक्वेक होता है, आपके मम्मी पापा या किसी ने, दादी वगैरह नानी वगैरह ने किसी ने कहा है कि भूकंप क्यों होता है? कहानी सुने हो? मैंने एक नो कहानी सर, सुना है, एक कहानी है नो क्या कि सर। इस धरती धरती जो है वो सांप के ऊपर टिका हुआ है, अगर सांप थोड़ा सा हिलती है तो धरती हिल जाता है और क्या होता है, भूकंप होता है। कभी सुना है आपने? हाँ हाँ, सर, तो ये यस सब जो हम सर, पढ़ यस रहे हैं, ये सब सारी चीजें जो है वो हम ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे, तो क्या वो इतिहास है? सर, नहीं है, ठीक है, इमेजिन है। इमेजिनेशन। तब जब इसका मतलब आपका जो चैप्टर का टॉपिक ही जो है ना वो इमेजिन से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा टॉपिक पे आ जाते हैं कि हम लोग टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक। एक फाइल में शेयर कर रहा हूं, कितना टाइम हो गया? सर 6 मिनट। हाँ बोलो। सर बोल रहे थे कि अगर ये हिस्ट्री में नहीं है तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं? बताएंगे अभी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे इसमें इतिहास का ऐसा ऐसा चीज पढ़ेंगे जो इतिहास हम लोग मानते नहीं है पर है इतिहास, हम लोग समझेंगे ना अभी। मैंने जस्ट ये कहा कि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है, वो एक्चुअल में आपका इतिहास है कि नहीं है, वो मतलब इतिहास हम लोग प्रॉपर इतिहास पढ़ रहे हैं या फिर वो उससे जुड़ा हुआ इतिहास पढ़ रहे हैं। चलिए ये आपको दिखाई देगा। देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? यस सर, यस ओके सर। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर ये मैंने बनाया है आपका स्टडी मटेरियल, जैसा कि मैंने वीडियो क्लास में भी कहा था इसके पहले कि आपको एक क्या मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा हर चैप्टर का, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टडी मटेरियल में क्या लिखा रहेगा, क्या रहेगा एक्चुअली, वो बता सकते हो? नोट्स नहीं, सिलेबस, उसमें देखिए स्टडी मटेरियल का नाम से समझ में आता है, नोट्स का तो नोट्स ही होगा ना, स्टडी मटेरियल का नाम हो गया। जैसे आपके पास अगर किताब नहीं है, ठीक है, तब भी चलेगा, एक किताब के जैसे ही हम एक नोट्स मतलब एक सीरियली बनाएंगे उसको हम लोग, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपका एक मिनट, सीरियली हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग उस टॉपिक के बारे में हल्का हल्का डिस्कस करते ही जाएंगे, ठीक है, और वो डिस्कशन में ही हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। आपको किताब वाला ही बात होगा वहां पे, लेकिन ऐसे लिखा रहेगा जिसको आप समझ सकते हो और मैं समझ सकता हूँ, तो आप जो जो इसको पढ़ा रहेगा वो समझ में आ जाएगा, तो आपका ये स्टडी मटेरियल हो जाएगा। तो देखिए टोटल लेसन कितने हैं आपके, टोटल चैप्टर कितने हैं इसमें हिस्ट्री में? एट सो एट एट लेसन कितने हैं? 8। अच्छा सुबह सुबह क्लास करने से आप लोग एकदम जोश में बोलते हैं अभी, मतलब क्या ठंडा गया क्या एकदम, मतलब लग रहा है क्या कि हाँ सो के उठे हो अभी अभी? सर, चलो नहीं ठीक सर, है, थोड़ा सा लगना भी चाहिए कि हाँ, वैसे आप लोग का आवाज वहाँ लाइव रिकॉर्डिंग में भी जाता है तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बोर हो रहे हो। वैसे हिस्ट्री थोड़ा बोरिंग होता है लेकिन बोर नहीं वाला हम करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे कि बोर ना हो, इसलिए आधे घंटे का रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, कौन सा, रिमेम्बरिंग द पास्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिस्ट्री क्लास 12 लेसन नंबर 1 रिमेम्बरिंग द पास्ट हम लोग करेंगे। ये हिंदी मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम का भी रहेगा आपको एप्लीकेशन में। यहाँ आप क्या करेंगे, नाम लिख लेंगे, यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे, और हाँ इस चैप्टर में यानी लेसन नंबर 1 में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं बताइए तो। LAQ और MCQ आते हैं। थोड़ा कुलसुम, अच्छा चलो मैं बताता हूँ, आपका दो टाइप का आएगा क्वेश्चन, एक तो आएगा आपका कौन सा, एक आपका आएगा LAQ और एक आएगा आपका MCQ। इसमें क्या नहीं आता है, इसमें SAQ जो है वो एग्जाम में नहीं आता है, बस इतना जानना था, बाकी सबसे आता है लेकिन सिर्फ लेसन नंबर 1 से नहीं आता है। अब आते हैं हम लोग कि LAQ जो है वो एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन का मान कितना है LAQ का,
आठ नंबर, ठीक है, यानी आपका मार्क्स कितना हो गया, आठ नंबर का हो गया। एमसीक्यू आपका दो रहेगा जिसमें आपको एक नंबर करके एमसीक्यू रहेगा, तो कितने हो गए यहाँ पर टोटल दो एमसीक्यू हो गए, यानी टोटल नंबर कितना हो गया ये दस। क्लियर हुआ, यानी इस चैप्टर से हम लोग कितने मार्क्स ला सकते हैं, टेन, टेन ला सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा ये जो हम लोग पढ़ेंगे, ये जो हमारा पूरा फाइल जो होगा 10 से 12 पेज का फाइल होगा, ठीक है, जिसमें आप लोग लिखेंगे भी, तो आज ये हम लोग पहला इसमें कंटेंट क्या डिस्कस करेंगे। देखिए ये पूरा किताब के जैसा ही है, जिसको समझ जाएंगे आप तो आपको किताब, जो आपके पास किताब है उसको छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे स्टडी मटेरियल फॉर एचएस 2022, ये हर साल बदलता रहेगा इसलिए यहाँ पर 22 दिया हुआ है। आपका एलएक्यू रहेगा, आपका एलएक्यू नोट्स हम लोग करेंगे क्योंकि इसमें एलएक्यू आता है, और उसके बाद में एमसीक्यू का नोट्स करेंगे क्योंकि इसमें एमसीक्यू आता है। तो ये पांचों जो होंगे वो सीरियली करके आपका यहाँ पर दिया रहेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग आज के क्लास में क्या करने वाले हैं, आप आज के क्लास में हम लोग सिर्फ सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, हम लोग फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, ये दो चीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे, और थोड़ा हम बताएंगे भी कि सिलेबस में जो जो बातें दी गई है वो कैसे दी गई है, ताकि आप पढ़ोगे तो क्या होगा आसानी से आप समझ सको। क्लियर हुआ? यस सर, यस सर, यस सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए तो आते हैं हम लोग पहला सिलेबस पे। ये सिलेबस वाला दिख रहा है आपको सर? यस सर। हाँ बोलो। Yes, sir. प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हर ईयर अलग अलग आता है या फिर एक एक? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमारे टाइम में वही क्वेश्चन आएगा या फिर अलग आएगा? बता रहे हैं, आते हैं उसपे, ठीक है, पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं उसके बाद हम बताते हैं। आप जितना टफ समझ रहे हैं ना, इसको बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। मैंने क्या कहा था, इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इमेजिन करने वाले। तो हमारा पहला टॉपिक ही क्या है, इमेजिंग द पास्ट। समझ में आया? हमारा तीन टॉपिक है यहाँ पे, एक टॉपिक है आपका इमेजिन, दूसरा है इनहेरिटेंस ऑफ द पास्ट, तीसरा नंबर है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री एज ए प्रोफेशनल डिसिप्लिन। तीनों का समझ लीजिए कि किसके बारे में दिया गया है, ठीक है, उसके बाद आप बहुत आसान हो जाएगा चैप्टर आपको पढ़ना, अगर आप समझ जाते हो कि एक्चुअली ये है क्या। तो पहला टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, इमेजिन द पास्ट। अच्छा, इमेजिन द पास्ट, हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे इमेजिन द पास्ट। अच्छा एक बात बताइए, आपको कहीं जाना हो कहीं पर, मान लीजिए कि आपको ए जगह से, अगर ये एग्जांपल सही होगा, चलो देख लेते हैं, ए जगह से बी जगह जाना हो, तो जाने का बहुत सारा उपाय हो सकता है या फिर सिर्फ एक ही चीज से जा सकते हैं आप? बहुत सारी चीजों से क्या 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 हो सकता है हम लोग का, यहाँ दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में मान लीजिए 500 किलोमीटर का डिफरेंस है, आप क्या क्या से जा सकते हैं? ट्रेन से, बस, ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, और प्लेन से जा सकते हैं, फ्लाइट से, प्लेन से जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये बहुत सारे ऑप्शन है आपको जाने के लिए, तो उसी तरह से इमेजिन को, यानी कि पास्ट को आपको इमेजिन करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं सिलेबस में। आप इसको जो इमेजिन को, पास्ट को इमेजिन करेंगे, आप किस तरह से कल्पना करेंगे, ठीक है। इमेजिन का मतलब क्या होता है, कल्पना करना, कल्पना करना मतलब आप कुछ भी कल्पना कर सकते हो। जैसे आप कल्पना कर सकते हो क्या कि आदमी पहले आसमान में उड़ता था, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस सर, कर सकते हो ना। तो और कोई कल्पना का बोलो, तो जैसे जो रियलिटी नहीं है, कल्पना है वो, और कहानी में आप सुने हो, पहले जो पेड़ था वो बोला करते थे, सुने हो कि नहीं सुने हो कभी किसी भी कहानी में? अच्छा, मैं और भी बहुत सारा अजीब अजीब कहानियां भी होती है, ठीक है, जैसे क्या कि पहले चांद बहुत सामने था, ठीक है, किसी ने यहाँ मतलब कुछ बोल दिया उसको तो वो चला गया, इस तरह से बहुत सारी कहानियां बनी हुई है। तो ये सब जो है कि हम लोग पास्ट को इमेजिन जो करेंगे वो कौन कौन सा चीज से करेंगे। पहला हो गया जैसे वहां बस ट्रेन था ना, उस तरह से आपका क्या है यहाँ पे मिथ्स है,
उसके बाद आपको लेजेंड है, उसके बाद आपका फॉक टेल्स है, उसके बाद आपको मेमोरी है, और उसके बाद में आपका ओरल ट्रेडिशन है। ये पांचों टॉपिक के बारे में आपको जानना है कि मिथ्स किसको कहते हैं, लेजेंड किसको कहते हैं, फॉक टेल्स किसको कहते हैं, मेमोरी किसको कहते हैं, और ओरल ट्रेडिशन किसे कहते हैं। और एग्जाम्पल के साथ समझना है कि मिथ्स वाले कौन कौन से कहानियां थी, लेजेंड वाले कौन कौन से कहानियां थी, फॉक टेल्स जो है वो क्या है, मेमोरी क्या है, और ओरल ट्रेडिशन क्या है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पहला टॉपिक आपको समझ में आया कि हमको करना क्या है इस चैप्टर में? अब आते हैं सेकंड वाला टॉपिक। सेकंड वाला यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ द पास्ट। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ द पास्ट, इनहेरिटेंस का मतलब होता है पास्ट को किस तरह से हम लोगों ने अपनाया। ठीक है, इसमें क्या था, द कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन इंडिजियस इमेजिनेशन। इसका मतलब समझिए, जबकि इसमें देखेंगे ये डब्बा खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि इसमें एलएक्यू एक भी नहीं आता है। ठीक है, फिर भी आप समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस ऑफ द पास्ट का मतलब। एक बात बताइए, इतिहास जो है 1812, आप याद रखिए कि 1812 के बाद में ना ये सब होना स्टार्ट हुआ कि हम लोगों को इतिहास को इतिहास के रूप में थोड़ा बहुत समझना स्टार्ट किए। ये इमेजिन करना भी जो है ना वो 1812 में स्टार्ट किए थे। वो भी कहाँ पे बताओ तुम, दुनिया के किस कोने में स्टार्ट हुआ था? ये सब एमसीक्यू वगैरह में होता है। साउथ अफ्रीका। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी। जर्मनी। क्या लिखा हुआ है? जर्मनी लिखा हुआ है। ठीक है, आपने सुना तो नहीं होगा, मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो आपको पूरा कहानी के जैसे बताऊंगा कि हाँ पहले ये घटना घटी थी, पहले इसके बाद ये घटना घटी थी, कहानी के जैसे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि हम बोर ना हो। चलो, तो जर्मनी में स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद ठीक इंडिया में भी स्टार्ट हुआ। इंडिया में भी हम लोगों ने कुछ 1812-13 के बाद में इंडिया में भी कुछ लोगों ने इतिहास को इतिहास के जैसा कुछ समझना स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहला नाम था विलियम कैरी का। नाम सुने हो विलियम कैरी? यस सर। यस सर। इंडियन था? इंडियन था क्या विलियम कैरी? इंडियन था? नहीं सर। तो फिर वो इंडिया के बारे इंडिया के इंडिया के बारे में लिख रहा था क्यों? हाँ बोलो। एक्चुअली देखिए क्या हुआ था कि हम जब पढ़ाएंगे तो समझाएंगे अच्छा से, बस इतना समझ लीजिए। अच्छा, आपको कोई बैंड बाजे की आवाज सुनाई दे रही है क्या? नो सर। नो सर। मुझे बाहर से आ रहा है, एक्चुअली बगल में शादी हो रही है तो वो लोग का बैंड बज रहा है। अच्छा चलिए, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ द पास्ट, द कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन इंडिजियस इमेजिनेशन। इंडिजियस इमेजिनेशन क्या था कि जो इंडिया के जो सर आपका वीडियो रुक गया है। सर आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो। नेटवर्क इशू लग रहा है शायद। सर क्या एग्जिट कर गया है? हाँ मे भी सर का कुछ नेटवर्क इशू हुआ है। हेलो। हेलो। यस सर। हेलो सर। यस सर। एक्चुअली लाइन कट गया था इसके वजह से। हेलो। यस सर। लाइन करंट चला गया था इसके वजह से ऐसा हुआ है। ऐसा प्रॉब्लम होते रहता है।
आदमी कितना खर्चा करेगा? सर आप कहाँ पर रहते हैं? घर पे रहते हैं यहाँ। एक्चुअली लाइन कटता नहीं है लेकिन अभी कट गया, पता नहीं क्यों। चले तो हाँ, हम लोग कहाँ पे थे, दिखाई दे रहा है? यस सर, यस सर। ओके हाँ, पता नहीं किस तरह से रिकॉर्डिंग आएगा ये। अच्छा तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग सेकंड पेज में थे, ये वाले जगह पे। हाँ यहाँ देखिए तो आपको दिख रहा है ना सब? यस सर, यस तो हम लोगों ने यस इमेजिन द सर। पास्ट वाला कर लिया था, उसके बाद हम लोग किसका कर रहे थे, एक मिनट। अच्छा तो हम लोग कौन सा कर रहे थे यहाँ पे, इनहेरिटेंस ऑफ द पास्ट, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर इंडिया में जब फर्स्ट टाइम हिस्ट्री को लिखा गया तो इंडियन के द्वारा नहीं लिखा गया, लिखा गया अंग्रेजों के द्वारा। तो अंग्रेज जो लोग हम लोग हमारे बारे में लिखेंगे वो क्या अपने तरीके से लिखेंगे ना हमारे तरीके से लिखेंगे? अपने तरीके से अपने सर, अपने तरीके से तरीके अपने तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अच्छा तो अपने तरीके से लिखेंगे तो हम लोग को इंडियन को जो है वो अच्छा दिखाएंगे या ऐसा दिखाएंगे कि हम लोग बहुत बेवकूफ हैं? सर कि हम लोग बहुत बेवकूफ सर हैं, ये दिखाएंगे सर पता है हम लोग अंग्रेज को लोग हम लोग पे बेवकूफ। शासन कैसे किए थे? वहां के जो लोग हैं ना यहाँ आए थे और बोले क्या वहां जाकर के हम लोग बहुत बेवकूफ हैं और हमें उन लोग को हमें सिखाना होगा। मतलब वो लोग आएंगे हमको सिखाएंगे कि दुनिया में कैसे रहा जाता है, इसलिए वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पे शासन की किसके द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा। मतलब वो लोग तो व्यापारी थे, जो आए थे वो क्या थे, व्यापारी थे। लेकिन एक मिनट, जो हमारे पास आए थे यहाँ पे वो लोग कौन थे? वो लोग तो व्यापारी थे। एक मिनट, आप लोग को दिखाई दे रही है? यस सर, यस बस एक मिनट, जस्ट एक मिनट। हाँ अच्छा, जो लोग आए थे यहाँ पे वो लोग क्या थे, व्यापारी थे। तो व्यापारी लोग थे तो हम लोग को यहाँ देख, तो वो लोग अपना तरीके से बहुत कुछ लिखे जो इंडियन के लिए नहीं था वैसा कुछ, ठीक है। यानी बहुत कुछ ऐसा था इनहेरिटेंस ऑफ द पास्ट। मतलब यहाँ देखिए द कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन, कॉलोनियल का मतलब होता है जो अंग्रेज लोग यहाँ आके अपना कॉलोनी स्थापित किए थे। अच्छा कॉलोनी का मतलब क्या होता है बताइए तुम, ये 11th क्लास में भी उपनिवेशवाद, था? आ उपनिवेशवाद नहीं, तो कॉलोनी का मतलब सिंपल भाषा में कॉलोनी किसे कहते हैं? सर, कम्युनिटी हाँ बताइए। सर, अड्डा अच्छा समझिए, देखिए क्या आप लोग इतिहास, वैसे भी आप लोग का तो वो लॉकडाउन में ही चला था पूरा क्लास। अगर कोई एक देश का मतलब कुछ लोग है जो दूसरे देश में जाकर अपना वो बस्ती बनाते हैं वहां पे, उसको कॉलोनी कहा जाता है, ठीक है। जैसे अंग्रेज लोग आके भारत में क्या बनाए थे, अपना एक बस्ती बनाए थे। आज भी गोवा जाओगे ना वहां पे डच कॉलोनी मिलेगा आपको, मतलब इंग्लिश कॉलोनी मिलेगा आपको। तो कॉलोनी का मतलब होता है कि बाहर किसी देश से आया हुआ कुछ लोग जो आके वहां बस्ती बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉलोनी, ठीक है। और कॉलोनियल जो हो गया इसका मतलब कि जो दूसरे देश से आए हुए लोग हैं उनको ही कॉलोनियल कहा जाता है, जिसको उपनिवेशवाद हिंदी में कहते हैं, ठीक है। वो बाद का है, वो सिर्फ ये समझिए कि हाँ ये क्या है। तो कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन था हमारे किसके बारे में, इंडिजियस इमेजिनेशन। ये लोग जो बाहर से आए, बाहर से कौन आए, विलियम कैरी आए, वो आकर क्या किए, इंडिजियस इमिनेशन मतलब इंडियन लोगों से पूछा कि आपका कोई ऐसा कुछ कहानी है जो पहले से चला आ रहा है। उन्होंने उस कहानी को बताया और उस कहानी को उन्होंने क्या किया, इतिहास के रूप में हम लोग के लिए लिखा। तो इसको कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ द पास्ट, जो कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन था हमारे लिए। समझ में आया ये टॉपिक? यस सर, यस सर, ओके यस सर। अब थर्ड नंबर टॉपिक जो है आपका, वो है आपका कि इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री एज अ प्रोफेशनल डिसिप्लिन।
प्रोफेशनल डिसिप्लिन का मतलब इतिहास को एक प्रोफेशनली कब लिखा जाने लगा, जब उसके ऊपर में संशोधन होने लगे। जैसे आपको अगर इतिहास लिखना है तो आप कॉपी कलम लेके बैठ के इतिहास लिख दोगे, ऐसा नहीं है। आपको इतिहास लिखना हो तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप अपने गांव के बारे में इतिहास लिखना चाहते हैं तो आपको बहुत जगह बहुत सारा संसाधन चाहिए होगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रोफेशनल हिस्ट्री लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको कहा जाता था मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री लिखने का जो कला है, जिस तरीके से लिखा जाता है, इस चीज को हम लोग को समझना है आपको आपको टॉपिक नंबर 3 में। ये क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब देखिए तो यहाँ पर एक रिदम चल रहा है। रिदम क्या चल रहा है आपका? पहला हम लोग इमेजिन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इमेजिन करेंगे कि हाँ पहले कैसे हो रहा था। फिर हम लोग आएंगे किसमें, कि हमारे इंडिया में कौन कौन से ऐसी बातें थी जो पहले इमेजिन के द्वारा हमारे इतिहास के रूप में आया वो। ठीक है, जिसमें ये वाला हो गया। और थर्ड नंबर है कि सबसे पहला जो प्रोफेशनल हिस्ट्री जो लिखा गया था हमारे यहाँ पे, वो किस तरीके से लिखा गया और उसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो आपको ये एक जगह पे पहुंचाएगा कि आपको समझने में आसानी होगी कि इसका मतलब हिस्ट्री जो लिखा जाता है या हिस्ट्री जो पढ़ा जाता है उसको किस तरीके से आज हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी ये करते हैं। जैसे आपको मैं इतिहास के बारे में, इतिहास सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कहा जाता है, लेकिन इसका फैक्ट के बारे में आप जानोगे ना कुछ जो कि वो मॉडर्न हिस्ट्री का एक भाग है, तो आपको इतिहास से प्यार हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, आप टीपू सुल्तान का नाम सुने हो? टीपू सुल्तान? सुने हो? ये टीपू सुल्तान के बारे में बताता हूँ मैं एक बात। ठीक है, तो शायद आपको उनके बारे में और जाने का मन करे। ठीक है, टीपू सुल्तान जो लड़ने के लिए जाते थे, अपने अंग्रेजों से लड़े वो। ठीक है, तो जो बैटल फील्ड में जाते थे वो लड़ने के लिए, उनका जो तलवार था, उस तलवार का वजन कितना था? चालीस केजी का वो तलवार लेके लड़ने जाते थे। अब बताओ आप लोग में से कोई है जो 40 केजी का उठा दे? नो सर। तो इसका मतलब ये जो आपने समझा इसको 40 केजी का, ये अभी भी है। कहाँ पे है? ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है इसको, कि वो ब्रिटिश लोग आए थे और ये वो तलवार लेके चले गए वो लोग। तो वो जो है ये जो फैक्ट आया, इस फैक्ट को जब आप जानेंगे तो टीपू सुल्तान के बारे में और जानने का इच्छा होगा या नहीं होगा? यस सर। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल हिस्ट्री या फिर मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, ये जो तीन नंबर जो है मॉडर्न हिस्ट्री लिखने के लिए, दो चीज बहुत जरूरी होती है। एक तो होता है आपका म्यूजियम। म्यूजियम में क्या होता है, आप जितने जगह, म्यूजियम का मतलब समझते हैं ना, कि जहां पर पुराने चीजों को रखा जाता है, जानते हैं? यस सर। कभी किसी म्यूजियम में गए हो आप लोग? यस सर। अच्छा, तो वहां पुरानी चीजों को रखा जाता है, कि जो पुरानी चीजें वहां रखी गई रहती है। जैसे आप लोग कोलकाता में रहे होगे, वहां पे तो कोलकाता वाले, आप विक्टोरिया मेमोरियल में गए होगे? यस सर। यस सर। यस सर। विक्टोरिया मेमोरियल में जो वहां पर फोटो लगा हुआ है, वहां पे एक जी पीछे जाओगे तो वहां गैलरी है जिसमें फोटो लगा हुआ है, उसकी एक खास बात बताओ तो। यानी सेल्फी लेने गए थे सिर्फ? हम लोग गए थे वहां घूमने के लिए, तो वहां क्या है? रॉयल एंड ऑर्गेनाइज्ड पेंटिंग था वहां पे। और हाँ, ऑर्गेनाइज्ड पेंटिंग तो था, उसकी एक खास बात थी। वहां का एक गाइड था जो हम लोग को बताया वो खास बात, वो ये था कि उस पेंटिंग को आप जिधर से भी देखो, मतलब आप अगर दाहिने साइड जाके 180 डिग्री पे भी आप देखते हो ना, तो लगेगा कि वो आपकी तरफ ही देख रहा है। वो जो आप चलोगे ना, तो उसकी आंखें लगेगी आपको फॉलो कर रही है। अब नेक्स्ट टाइम कभी जाओगे वहां म्यूजियम में, तो वहां जाकर देखना कि वो फोटो जब है, एक फोटो बहुत ही वहां पे मतलब स्पेसिफिक है जो सीधा रखा गया था वहां पे। आप पूछोगे ना वहां गाइड से कि हाँ ऐसा कुछ पेंटिंग है जो कि लगता है कि हमें फॉलो कर रहा है, वो जरूर दिखाएगा आपको। तो आप उसको देखते रहना आंखों में, और चलोगे ना तो लगेगा कि आपको वो फॉलो कर रहा है, मतलब लगेगा कि वो जिंदा है वो। ठीक है, तो ये सब जब जानते हैं तो हम लोग को इतिहास के बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा होती है। तो ये हो गया म्यूजियम एज इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द पास्ट। तो पास्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए म्यूजियम बहुत अच्छा एक साधन है। सेकंड आपका हो गया ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजियम प्राइवेट कलेक्शन। अब हम थोड़ा सा अलग अलग टाइप का म्यूजियम के बारे में समझेंगे कि कौन कौन टाइप के दुनिया में म्यूजियम है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया आपका। ये चैप्टर का टोटल कॉन्टेंट समझ में आया कि हमें पढ़ना क्या है? यस सर। यस सर।
यस सर यस सर ओके तो अब थोड़ा आते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ठीक है? थोड़ा आप किसने पूछा था ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैसा ही आता है या बदल के आता है, किसने पूछा था? सर मैं पूछी थी। नाम? नाम शाइका। शाइका, हाँ। देखिए इतिहास में एक अच्छी बात क्या है आपका सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है, कि आपका जो क्वेश्चन आता है ना, जो टॉपिक है, आप क्वेश्चन पे मत जाओ, आपका टॉपिक पे ध्यान दो। जैसे आपको मैं बोलता हूँ ये इमेजिन द पास्ट, मैंने कहा ना 15 में आया है और 18 में आया है, ठीक है, क्वेश्चन वैसा ही रहेगा। 15 में जो क्वेश्चन आया है उसमें दो चीज, जैसे मान लीजिए कि आप, चलो क्वेश्चन दिखाते हैं मैं आपको। 15 में जो क्वेश्चन आया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीथ्स एंड लेजेंड, मीथ्स एंड लेजेंड के बारे में आप क्या समझते हो, ठीक है? तो यानी कौन कौन सा आया है, मीथ्स आया है और लेजेंड के बारे में पूछा है, ठीक है। आप 18 में आओ, 18 में जो क्वेश्चन आया है वो क्या आया है, रोल ऑफ मीथ एंड मेमोरीज। यहाँ पे देखिए, रोल ऑफ मीथ्स एंड मेमोरीज इन ऑर्गेनाइजिंग द पास्ट। अब यहाँ पर 18 में क्या आया है, आपका मीथ आया है और फिर क्या आया है, मेमोरी आया है। समझ रहे हो? किसका मतलब आपको पांच टॉपिक पढ़ना है, कोई भी आ सकता है, आपका मीथ लेजेंड मिला के भी आ सकता है, आपका मीथ्स एंड मेमोरी भी आ सकता है, आपका ये दोनों मिलाकर भी आ सकता है, यानी आपको टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। और मैं आपको नोट्स दूंगा ना, उससे आ जाएगा, ठीक है? कुछ क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं इस साल जो 2020 में एग्जाम तो हुआ था, लेकिन 21 में HS 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था, ठीक है? तो इसका मतलब 21 वाला हमारे पास तो कोई है नहीं कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हम लोग 22 में जो तैयारी करेंगे, इसका मतलब हम लोग ज्यादा से ज्यादा तैयारी करेंगे, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं आपका टॉपिक में, देखेंगे हम लोग ये वाला जो इमेजिन द पास्ट है आपका, मीथ्स, ये लेजेंड या कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 15 में आया है, 18 में आया है, उसके बाद आपका देखेंगे हम लोग 20 से तो कोई क्वेश्चन एलएक्यू आया ही नहीं है। सी नंबर देखेंगे आपका प्रोफेशनल डिसिप्लिन के ऊपर में कौन सा क्वेश्चन आया है। एक तो आपका आया है किसने, 17 में आया है और एक 20 में। देखिए 17 में कौन सा क्वेश्चन आया है, देखिए व्हाट इज प्रोफेशनल हिस्ट्री आया है और डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल हिस्ट्री। और उसके बाद आपका फिर किस में आया है, 17 के बाद 20 में आया है। यहाँ 20 में देखिए व्हाट इज प्रोफेशनल हिस्ट्री, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल, सेम क्वेश्चन है कि नहीं? सेम है, देखिए ज्यादातर सेम ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपका ये 17 नंबर जो क्वेश्चन है 17 में आया है और 20 में आया है, ठीक है, तो ये वाला हो गया। इसके बाद आप देखेंगे सी वाला में ही जो दो डिपार्टमेंट किया हो गया है, एक आपका म्यूजियम के बारे में दिया गया है, ऑर्गेनाइजिंग द पास्ट, ये 16 में आया है। देखिए आपका व्हाट इज नोन एज म्यूजियम, म्यूजियम किसे कहते हैं और डिस्कस द रोल ऑफ म्यूजियम इन ऑर्गेनाइजिंग द पास्ट, ये वाला क्वेश्चन आया है। इसका मतलब आपका ये 16 में आया है, इसके बाद फिर दोबारा नहीं पूछा गया है। अब उसके बाद जो ये देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम, ये 19 में आया है। ये जब मैं पढ़ा रहा था तब मैं एक ये क्वेश्चन दिया था एग्जाम में बच्चा लोगों को, तो वो लोग का ये आया भी था। ये आपका 19 में देखिए टाइप ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ म्यूजियम, कितने तरह के म्यूजियम होते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। अब आपका बताइए तो टोटल क्वेश्चन, अगर आप एकदम बिना डर एग्जाम में जाना चाहते हैं तो कितने क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे आपको एग्जाम के लिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, बोलिए सर? मैक्सिमम 6। अब बताते हैं मैं आपको, इससे दो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, एक बनेगा, एक ही क्वेश्चन बनेगा, सॉरी, आपका इसमें क्या होगा, मीथ्स एंड लेजेंड और मेमोरी, ये तीन मिला के ही कहीं ना कहीं दो पूछा जाता है, तो मैं एक ही क्वेश्चन दूंगा आपके इसके लिए, ठीक है। इससे तो आता ही नहीं है आपका, इससे दो क्वेश्चन बनता है, एक आपका बनता है प्रोफेशनल डिसिप्लिन के लिए और एक बनता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग के लिए, जो अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग एक बार भी नहीं पूछा गया है। तो इससे दो क्वेश्चन बनेगा, इससे एक क्वेश्चन बनेगा, और उसके बाद म्यूजियम, ये आपका एक ही क्वेश्चन बन सकता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो इससे एक क्वेश्चन बनेगा और इससे आपका एक क्वेश्चन बनेगा, जिसमें आप ये वाला नहीं भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल क्वेश्चन कितना, मैक्सिमम आप 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप उसके कम भी पढ़ के जा सकते हैं, वो आपकी आपकी मर्जी है। जैसे ये देखिए 20 में ये आ चुका है, ये प्रोफेशनल डिसिप्लिन वाला, तो शायद 22 में नहीं पूछे, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पूछे, तो आप इसको क्या करो, नहीं पढ़ो, हो भी सकता है। तो मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा, उसको समझाऊंगा अच्छे से और हो जाएगा। तो कुछ आसान लग रहा है या फिर वैसे ही हार्ड लग रहा है जैसे पहले लग रहा था? या पहले से इजी था? अच्छा ये सब आप पहले से जानते थे या मैंने आज बताया? सर पहले से, सर आपने बताया आज, सर आपने बताया। आप लोग किताब वगैरह खरीद के रखे हो ना, पढ़े नहीं उसमें? सर बुक नहीं मिल रहा इधर मेरे घर तरफ भी, सर
सर अभी अच्छा तो हम चलो, स्टार्ट भी नहीं बुक किए। नहीं, वैसे देखो अगर बुक नहीं भी मिले ना, आप नहीं भी खरीदते हो तो तब भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, थर्ड वाला में आ जाते हैं। अच्छा इसमें एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू चलो तुक्का मारते हैं। द नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज गिवन बाय, वैसे हिंदी में भी रहेगा, मैं इंग्लिश वाला दिखा रहा हूँ आपको। तो नेशनल इंटरप्रेट कौन था इंडियन हिस्ट्री का, बताइए तो चारों में से कौन सा होगा आंसर। सर ए वाह श्योर, यस सर अच्छा इसका मतलब पढ़ाई कर रहे हो, रमेश चंद्र मजुमदार ये वाला है, ठीक है। मैं क्या दिखाना चाहता हूं बस उतना ध्यान देना। 15 का क्वेश्चन में किसी आदमी के बारे में पूछा गया है, यह ध्यान देना। 2015 में फिर क्वेश्चन आया है आपका, द ऑथर ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का ऑथर कौन है, ये भी चार आदमी का नाम दिया हुआ है। 16 में देखिए आपको, ऑल हिस्ट्री इज कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, ये किसने कहा, ऑप्शन ने देखिए ये चारों आदमी का ही नाम दिया हुआ है। उसके बाद 16 में एक और क्वेश्चन आया है, हु कंपोज राज तरंगनी, इसका मतलब चारों ऑप्शन कौन है, आदमी ही है। उसके बाद में 16 में देखिए, द एशियाटिक सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर, ये पहला क्वेश्चन है जो ईयर पे पूछा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज रिटन बाय, ये भी आदमी वाला हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड मीथ, मीथ कहाँ से आया है, मिथोस से आया है, जो कि क्या है, वो ग्रीक वर्ड है, ये आंसर है लिख दिया यहाँ पे। अच्छा 8 नंबर देखिए, जीवन जलसाघर जो है वो किसका लिखा हुआ है इस चारों में से, तो यहाँ भी देखिए आदमी के बारे में पूछा गया, मतलब राइटर के बारे में पूछ रहा है। इसके बाद आते हैं हम लोग किसमें, 18 में क्वेश्चन आया है कि हिस्ट्री इज साइंस नो मोर नॉलेज, किसने कहा है, तो ये आदमी के बारे में ही बोला जा रहा है। 71 डायरी किसने लिखा है, तो वो भी आदमी के बारे में बोला जा रहा है। 19 में देखिए, ये भी किसी आदमी के बारे में ही बोला जा रहा है, मतलब ये मेमोयर है ऐसा कुछ, द फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री कौन है, तो ये आदमी के बारे में ही है। ल्यूबर म्यूजियम कहाँ पे है, तो ये जगह के बारे में है। और राज तरंगनी किसने कहा लिखा, तो ये आदमी के बारे में। अब एक चीज बताता हूँ, वो ध्यान से समझिए इसको, अच्छा एमसीक्यू के लिए आपने अभी जो देखा 2015 से लेकर 2020 तक, इसमें कुछ खास बात देखा आपने कि हाँ क्या आता है, यस सर ज्यादातर क्या आदमी यस सर राइटर नेम से राइटर नेम, ईयर्स राइटर नेम ज्यादातर आपका क्या आता है, बुक्स एंड ऑथर का नाम आता है, ठीक है। ज्यादातर बुक्स एंड ऑथर का ही नाम आता है ज्यादातर। सेकंड टॉपिक क्या आता है आपका कि किसने कहा, हु सेड, किसने कहा कि वो, मतलब किसने कहा है, ज्यादातर वो अभी आता है, ठीक है। फिर आता है आपका म्यूजियम के बारे में कि म्यूजियम कहाँ, कौन कौन सा म्यूजियम कहाँ पे रखा गया है, उसके बारे में आता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये तीन टॉपिक जो है ना, ये मेनली तीन टॉपिक आते हैं आपको एमसीक्यू से, जिसका आपको हम एक नोट्स देंगे, वो कैसा नोट्स होगा वो देख लीजिए। ये आप दिखाई दे रहा है, यस सर यस सर यहाँ देखिए, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, 1 से स्टार्ट है, आपका ईयर वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, 2015 में क्या क्वेश्चन आया है, ये आपका क्वेश्चन है, ये इसका क्या है आंसर है, दिखाई दे रहा है। यस सर यस सर यस सर अब मैं नीचे की तरफ यस करते सर जा रहा हूँ, पहला ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ, उसके बाद आपको पहला टॉपिक क्या पढ़ना है आपको, बुक्स एंड ऑथर्स, यानी कि बुक का नाम और ऑथर्स का नाम। देखिए बुक का नाम ऑथर्स का नाम यहाँ पे आप समझ जाओगे, द हिस्ट्रीज किसने सर लिखा था, अब बोलो। सर ये हिंदी में ही रहेगा इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा आपको, बाद बाकी और यस लैंग्वेज सर में नहीं रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। आपका ये सब देख सकते हैं, ये सारा का सारा आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कितना है ये सब सारा दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फिर ये सब सारा दिया हुआ है। देखिए जैसे म्यूजियम के बारे में ये क्वेश्चन आता है कि लूवर म्यूजियम कहाँ पे है, तो पेरिस में है। हजार द्वारी एक तरह का क्या है, वो तो ऐतिहासिक संग्रहालय है, ये हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश वाला भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है, हु सेड, किसने कहा, तो ये देखिए ये जो लाइन है वो किसने कहा था, ई एच कार ने कहा था, ये लाइन किसने कहा था, तो ई एच कार ने कहा था, ये किसने कहा था, तो क्रॉस ने कहा था, ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि अन कैटेगरीज, मतलब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि अलग तरीके से पूछा जाता है, तो वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये एमसीक्यू का नोट्स है, ये एमसीक्यू का नोट्स आप उस वक्त अच्छा से आपको हो जाएगा जब आप क्या करोगे,
आज बहुत ज्यादा लेट हो गया ना, उस वक्त आपके पास ज्यादा अच्छा रहेगा, जिस वक्त आपके पास में वो सारा आप टॉपिक अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, पढ़ने के बाद में वो टॉपिक को अच्छे से समझ लो और फिर ये याद करोगे ना तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके, तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। और हाँ, आज का क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो टोटली कि कैसे हमको पढ़ना है, ठीक है, मतलब लेसन नंबर वन कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट जो होगा आपका क्लास लेसन नंबर वन के बारे में वो आपका टॉपिक वाइज होगा, जो टॉपिक हम लोग देख रहे थे ना वहाँ पे कि हाँ इमेजिन द पास्ट, उसमें इमेजिन द पास्ट वाला जो सारा टॉपिक है ना आपका, कौन कौन सा है, मिथ्स, लेजेंड्स, ओरल हिस्ट्री वगैरह जो भी है, वो सारा टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और उससे आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी हो जाता है, एमसीक्यू वगैरह भी उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो तो अभी टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, 8 बज गए हैं, तो अभी मैं क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।